जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। तब ध्रुव बोला, तुम किस बारे में बात कर रही हो तारा, मुझे सच में नहीं पता है, और भला मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूंगा। तारा हैरानी से बोली, अच्छा ऐसा है क्या, एक बात बताओ ध्रुव, जो चीज मैं महसूस कर पा रही हूँ क्या तुम्हें वो सच में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ध्रुव ने फिर से कहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, खुलकर बताओ। तारा चीखते हुए बोली, मैं विक्की की माँ के बारे में बात कर रही हूँ, और तुम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो, क्या तुम्हें वो नॉर्मल लग रही है, क्या तुम्हें उनके आसपास कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी अलग सा पता नहीं लग रहा है। ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, नहीं तो भला आंटी के आसपास क्या अलग हो सकता है, और ये तुम किस तरह की बात कर रही हो उनके बारे में, मैं भी गौर कर रहा हूँ कि तुम उनके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव करती हो, भूलना मत कि वो विक्की की माँ है, और अगर विक्की को ये पता चला कि तुम उसकी माँ के बारे में कैसा सब सोचती हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अनन्या ने सब कुछ बता दिया है, उसके बाद भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि प्लीज इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट मत करो, नॉर्मल सी बात है, इसे नॉर्मल ही रहने दो। तारा एग्रेसिव होकर बोली, अच्छा चलो ठीक है, मान लेती हूँ उनकी बातें नॉर्मल है, या शायद ये मिसकम्युनिकेशन का असर है कि मुझे उनकी कही हुई बातों का मतलब कुछ और लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन उस वाइब का क्या जो मुझे उनके साथ महसूस हो रही है, उस नेगेटिविटी का क्या जो मुझे उनके आसपास महसूस हो रही है। मानती हूँ ध्रुव मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, लेकिन इन चीजों की थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी है, इसलिए तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे, जानते हो ना इस बात को, फिर तुम मेरी बातों को इस तरह कैसे छुटला सकते हो, मुझे जो महसूस हो रहा है उसका मैं क्या करूं, तुम्हें पता है मुझे उनके आसपास सेहरन सी होती है, घबराहट सी होती है। ध्रुव ने कहा, तुमने खुद अभी ये बात कही ना कि तुम मुझ जितना नहीं जानती इन सब चीजों के बारे में, तो तुम खुद ही सोचो ना कि अगर मुझे ही कुछ फील नहीं हो रहा है तो वाकई में कुछ नहीं है, तुम ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये भी हो सकता है ना, कितने दिनों बाद तुम यहाँ आई हो तो शायद इसलिए इस तरह का एक बार फिर तुम्हें महसूस हो रहा हो, और ऐसे में विक्की की माँ आ गई है तो तुम इन सब चीजों को उनसे जोड़कर देख रही हो सकता है हमारे पीठ पीछे यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से तुम्हें नेगेटिविटी महसूस हो रही हो, और वैसे भी इन चीजों को जितना तूल दोगी वो चीज उतनी ही बढ़कर दिखाई देती है। माफ करना, अब जरा मुझे ध्यान करना है, तो तुम घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तारा ने कुछ देर तक ध्रुव को गौर से देखा और फिर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते तारा के दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही थी, क्या कि ध्रुव इस तरह से उससे बात क्यों कर रहा है। तारा साफ साफ महसूस कर पा रही थी कि ध्रुव उसे इग्नोर कर रहा है और चीजों को छुपा रहा है, लेकिन क्यों, और अगर वाकई में जैसा तारा सोच रही है वैसा है तो ध्रुव इस चीज को क्यों नहीं अपनाना चाहता है, आखिर इस चीज से वो भागना क्यों चाहता है, इसके पीछे वजह क्या है। तारा के वहां से जाने के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और दूर सीढ़ियों की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे माफ करना तारा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सी हलचल चल रही है, तुम जो महसूस कर रही हो उस चीज को झुठलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी तरह इस चीज को खुलकर स्वीकार नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी तरह इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ। उम्मीद है जब तुम्हें इसके पीछे की वजह समझ में आएगी तब तुम मेरी मजबूरियों को समझोगी और मेरे इस बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दोगी। कुछ टाइम बाद जब ध्रुव घर लौट कर आया तो उसने देखा सब वही मौजूद थे सिवाय रूप के, क्योंकि वो हवेली जा चुकी थी। हालांकि उसे दिखी तो तारा भी नहीं थी, लेकिन उसने उसके बारे में पूछना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त ध्रुव तारा से कोई बात नहीं करना चाहता था। उस दिन रात का खाना जुल्मी के यहाँ था, जुल्मी के अम्मा बापू भी लौट कर आ चुके थे, और जब उन्हें पता चला था कि विक्की की माँ आई है तब उन्होंने खुशी से सबके लिए खाने का इंतजाम अपने यहाँ किया था। शाम के टाइम ही सब तैयार होकर जुल्मी के यहाँ निकलने वाले थे, लेकिन तारा अब तक तैयार होकर नहीं आई थी। विक्की ने कहा, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ रह गई, आखिर इन लड़कियों को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है। इतना कहता हुआ विक्की जब तारा के कमरे में गया तो उसने देखा कि वो अभी तक लेटी हुई थी। विक्की हैरानी से बोला, ये क्या, तुम अब तक लेटी हुई हो। तारा ने कहा, हाँ वो मैंने अनन्या से कह तो दिया था कि मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी इस बात पर विक्की ने उसके सर को छूकर देखा तो उसे बुखार था। विक्की बोला, तुम्हें बुखार है, तुमने बताया नहीं। तारा ने कहा, नहीं बस यूं ही नॉर्मल सा है, इसीलिए मैंने अनन्या से कहा भी था, शायद वो भूल गई होगी तुम लोगों को बताना। इतने में अनन्या भी कमरे में आ गई और बोली, माफ करना मैं तैयार होने के चक्कर में बिल्कुल ही भूल गई इस बात को। तारा को रेस्ट करना है तो एक काम करते हैं ना, हम लोग चलते हैं और जल्दी से खाना खाकर आ जाएंगे। विक्की ने कहा, लेकिन तारा को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तारा ने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ,
मुझे कुछ भी काम होगा तो मैं कॉल कर दूंगी। तारा की बात पर विकी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो, चाहे तो कोई मूवी भी देख सकती हो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अकेले यहाँ रहना चाहती हो? तारा बोली, हाँ विकी, हल्का सा बुखार है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले नहीं रह सकती, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और तुम जाओ। विकी ने उसके माथे पर एक किस किया और अनन्या के साथ वहां से निकल गया। ध्रुव ने जब तारा की तबीयत के बारे में सुना तब उसने अपने मन में कहा, आखिर तारा अपने मन ही मन में सोचते हुए इस बात को कितना बड़ा बना सकती है कि अपनी तबीयत ही खराब कर ले। मुझे लगता है कि मुझे उससे खुलकर बात करनी होगी, वरना वो ऐसे ही सोचती रहेगी और अपने आप को ज्यादा परेशान करती रहेगी। सबको वहां से निकलकर कुछ देर हुए थे कि विकी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जिसकी आवाज से तारा की आंखें खुल गई। तारा ने मोबाइल देखा तो मोबाइल बंद था। उसने कई बार मोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। वो धीरे से बोली, अभी तो कोई मैसेज आया था, अचानक फोन ऑफ कैसे हो गया? शायद बैटरी डाउन हो गई होगी। तारा मोबाइल लेकर उठी और विकी के कमरे में जाकर उसका चार्जर ढूंढने लगी। तभी उसे लगा जैसे घर का दरवाजा खुला है। तारा हैरानी से बोली, इतनी जल्दी कौन आ गया? क्योंकि तारा की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उसने कहा था कि बाहर से दरवाजा लॉक करके चले जाने को। अगर उसे कुछ इमरजेंसी होती तो वो पिछले गेट से बाहर निकल जाती, क्योंकि उसका मन उठने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसीलिए विक्की ने भी बाहर से ही दरवाजा बंद कर दिया था। इसलिए तारा को लगा शायद उन्हीं में से कोई आया होगा। उसने जब कमरे के दरवाजे से ही झांक कर देखा तो उसने पाया कि दरवाजा वाकई में खुला था और कोई तेजी से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। तारा हैरान रह गई। ये देखकर उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। तभी एकदम तेजी से घर का दरवाजा बंद हो गया जिससे तारा चौंक पड़ी और उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने घबराते हुए देखा और गहरी सांस लेकर बोली, लगता है तेज हवा से दरवाजा बंद हो गया है, ऊपर कौन गया है? इससे पहले कि तारा ऊपर जाकर देख पाती, ऊपर से धमधम की आवाज आने लगी, जैसे कोई तेजी से इधर उधर भाग रहा हो। उसे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया और अपने सामान में कुछ टटोलने लगी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक यंत्र जैसा टुकड़ा आया। उसने उसे कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया और कुछ बुदबुदाती हुई सीढ़ियों के ऊपर अपने कदम बढ़ाने लगी। तारा कुछ ऊपर ही गई थी कि उसे अपने पीछे से आता हुआ कोई महसूस हुआ। उसने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, और जैसे ही उसने सामने की तरफ देखा एक काला साया नजर आया। अचानक वो इतनी तेजी से तारा के सामने आया कि तारा का बैलेंस बिगड़ गया और वो कई सीढ़ियां लुढ़कती हुई सीधा नीचे जाकर गिर गई। तारा की चीख से वो पूरा घर गूंज उठा। तारा की जब आंख खुली तो उसे अपने सर के पिछले हिस्से में और पूरी बॉडी में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। कुछ देर तक वो हिल भी नहीं पा रही थी, बस वो धुंधली नजरों से देखने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है और उसके आसपास कौन है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय अंधेरे के। लेकिन उसे अपने आसपास किसी की गहरी सांसों की आवाज महसूस हो रही थी। तारा ने अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फिराया और फिर बड़ी मुश्किल से कमजोर आवाज में बोली, कौन कौन है यहाँ, मैं कहाँ हूँ? तभी उसे अपने कानों में किसी की तेज फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से कुछ बड़बड़ा रहा था। वो क्या बोल रहा था कुछ स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अलग भाषा में कोई मंत्र बोल रहा है या कोई मैसेज बोल रहा है जो तारा समझ नहीं पा रही है। उसके बोलने की स्पीड इतनी तेज थी कि उसकी फुसफुसाहट चुभन बनकर कड़क तारा को अपनी कानों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर तक अगर ये और कानों में बोला तो उसके कानों से खून आ जाएगा। तारा को तेज दर्द होने लगा था। वो छटपटाने लगी थी लेकिन उसकी फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। तभी अचानक उसका हाथ उसे अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उसने तारा के दोनों गालों को कसकर अपने हाथों में दबाया जिससे उसके नाखून तारा के आंसू बहने लगे थे। तारा बड़ी मुश्किल से बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। लेकिन उसने तारा को नहीं छोड़ा। वो वही चीज दोहराता रहा जो शुरू से दोहरा रहा था। धीरे धीरे करके तारा की आंखों के आगे अंधेरा एक बार फिर छाने लगा और उसकी आंखें बंद होती चली गई। लेकिन बंद आंखों से भी वो उसकी बातों पर गौर कर पा रही थी। तारा ने ध्यान दिया, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा था। तारा को उसके कहे हुए शब्द जाने पहचाने से लग रहे थे, जैसे इन शब्दों को उसने पहले भी कहीं सुना हो या देखा हो, कुछ ऐसा था। लेकिन वो पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही थी। तारा कितनी देर तक इस हालत में पड़ी रही ये तो पता नहीं, लेकिन जब दोबारा उसकी चेतना वापस आई तो उसके कानों में उसके दोस्तों की आवाज गूंज रही थी। तारा अपनी आंखें खोलो, उठो, क्या हो गया तुम्हें?
तुम यहाँ कैसे आ गई और ये खून कैसे? तारा अपने दोस्तों की आवाज को बार बार सुन तो पा रही थी लेकिन उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी।